सतलुज दरिया के कंढे ते वसे इतिहासक गुरद्वारा श्री भी भौर साहिब विखे चौपाई उचारण दिवस मौके धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिस विच पंथ प्रसिद्ध कीर्तनीए अते कथावाचका वल्लों संगतां नूं गुरबाणी रस नाल जोड़िया गया। जिक्रयोग है कि हर साल नंगल विखे सुशोभित गुरद्वारा श्री भी भौर साहिब विखे इस इतिहासक दिहाड़े नूं वड्डे पद्धर ते मनाया जांदा है अते वड्डी गिणती च संगतां नतमस्तक हुंदियां ने। इस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे होर मैंबरां ने विशेष तौर पर हाजरी लवाई। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने अज के शुभ दिहाड़े इस पावन अस्थान से श्री चौपाई साहब जी की पावन बाणी का उच्चारण किया। जिस चौपाई साहब की पावन बाणी हर सिख रोजाना अपने सवेर शाम के नितनेम पढ़ता है और अमृत संचार वेले इस बाणी का जाप किया जाता है। सो अज समुची लुकाई वास्ते समुचे जगत वास्ते ही बहुत चढ़ती कला वाला और खुशियां भरिया अज का यह दिन है कि जिस दिन सतगुरां ने इस स्थान पर इस पावन बाणी का उच्चारण करके समुची लुकाई के भले वास्ते कार्य किया। समुचिया संगतों को अज के पावन दिहाड़े दी बहुत बहुत बधाइया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही महान इतिहासिक दिहाड़ा जिस दिन इतने 13 महीने साहब श्री गोबिंद सिंह जी ने 13 महीने रहने तो बाद इस स्थान तक बड़े महान ग्रंथ की रचना की सी। उस अखीर में जो चौपाई साहब की बाणी असं नित में पढ़ते हाँ उस दर्ज किया। अज उस महान इतिहासिक दिहाड़े को बहुत श्रद्धा भावना के नाल इलाके दी संगत मना रही हैं, भावें कि करोना के करके काफ़ी प्रभाव है संगतों के, लेकिन फिर भी बहुत वड्डी गिनती में संगत ने जी अज शमूलीयत की है। पहला वाग ही इतने बहुत संगत का जी आमद हुई है। सवेरा पंजाब लई नंगल तो विमल सैनी की रिपोर्ट। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, inna chora thagga to saavdan, specialist Vashikaran, satta number, love marriage, pati patni ch anban, videsh ch pakka hona, karobar da na chalana, sirf 31 ghantiyan vich samadhan, free, Mia Rafiq Mohammed, mobile 84374 94648 देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।